नमस्कार। आज हम आम का खट्टा मीठा चटपटा गुड़ वाला गुड़ के अचार बनाते हैं। ये अचार हम थेपला, चपाती, रोटी, पराठा, हांडवा, ढोकला, मुठिया के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है ये अचार। तो फिर चलो आम का मीठा अचार बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए राजापुरी कच्चा आम। राजापुरी कच्चा आम अचार के लिए सबसे अच्छा होता है। अगर राजापुरी आम नहीं है तो कोई भी कच्चा आम ले लो। इस आम को हम यहाँ से कट करके और छील लेंगे। छीलने के बाद हमें इसके छोटे छोटे पीस करने हैं। आम को मैंने छील के इतने पीसेस में कर लिए हैं। अब इसमें हम नमक और हल्दी डालेंगे। नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे। अब हम हल्दी, नमक और आम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हल्दी नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक दिन के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आम को एक दिन हो गया है नमक और हल्दी में। यहाँ नमक ने पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसका पानी निकालना है। इस बर्तन में हम आम निकाल लेंगे और आम का जो पानी है वो निकाल लेंगे। ऐसे हम आम डाल के पानी निकाल लेंगे। आधा घंटा हम ऐसे ही इस छन्नी में रहने देंगे ताकि पानी सारा बाहर निकल जाए। आधा घंटा हो चुका है तो अब हम आम को सुखा देंगे। ऐसे एक एक करके हमें आम को पूरा सुखाना है। इस आम को हमें कम से कम 8 से 10 घंटा सुखाना है। पर ध्यान में रखना है कि ये आम धूप में या पंखे की हवा के नीचे नहीं रखना है। आम को सुखाए हुए 8 से 10 घंटे हो गए हैं। आम अच्छे से सूख गया है तो अब हम इसको एक प्लेट में ले लेंगे। अचार के मसाले के लिए मैंने यहाँ गैस ऑन कर दिया है, लो फ्लेम पे। अब मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल को ज्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया कुरिया। ये धनिया कुरिया किसी भी स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा। मीठे अचार में धनिया कुरिया का टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहता है। इसको लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक सेकना है, ज्यादा नहीं सेकना है। दो मिनट हो गया है। अब हम इसमें अचार मसाला डालेंगे। ये मैंने रामदेव का रेडीमेड अचार मसाला लिया है। इसे हमें 1 से 2 मिनट तक सेकना है। अब 2 मिनट हो गया है, मसाला अच्छे से सेक लिया है। अब हम गैस बंद कर लेंगे। अब इस मसाले को रूम टेम्परेचर जितना ठंडा करना है। यहाँ मैंने गुड़ को पहले से ही बारीक काट लिया है। गुड़ जितना आम होता है, जितना केजी आम होता है उतना केजी गुड़ डलता है इसमें। अब इस गुड़ में हम अचार मसाला डालेंगे, जो अब ये ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर जितना। अब हम इसमें आम डालेंगे। अब हम तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आम, गुड़ और अचार मसाला। तीनों अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें ले लेते हैं। अब इस अचार को हम 1 हफ्ते के लिए ऐसे कवर करके रख देंगे और दिन में 2 बार सुबह शाम मिक्स करना है ताकि गुड़, अचार और मसाला सब मिक्स हो जाए। 1 हफ्ता हो चुका है अचार को। अब हम खोल के देखते हैं अचार कैसा बना है। अचार और गुड़, मसाले सब आम अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अचार, गुड़ और मसाले सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। देखो बढ़िया अचार रेडी है। तो रेडी है हमारा आम का खट्टा मीठा चटपटा गोल केरी अचार। इसे पूरे साल रख सकते हैं, खराब नहीं होता है। इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। अगर आपको ये आम का खट्टा मीठा चटपटा गोल केरी अचार की रेसिपी पसंद आई तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना ताकि आपको नई नई रेसिपी मिलती रहे। थैंक यू।